वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले स्टार्टर की रिपेयरिंग किस प्रकार से की जाती है। फ्रेंड, मैं फुल रिपेयरिंग आपको स्टार्टर की करके बताने वाला और सिखाने वाला हूँ। फिर कौन सा पार्ट किस प्रकार से चेंज करना है, सब कुछ आपके इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगा। फिर वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी इलेक्ट्रो बाई वीजे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आइए तो फ्रेंड आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। फ्रेंड तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास में क्या स्टार्टर है। फ्रेंड में इसकी रिपेयरिंग आज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड जो कि हम इसका झूला है वो निकाल लेते हैं। फ्रेंड उसके बाद इसमें क्या क्या समस्या और प्रॉब्लम। फ्रेंड देख सकते झूले में इसकी जो पत्तियाँ वो पूरी तरह डैमेज हो चुकी है, दो पत्ती ज़्यादा डैमेज हुई। फ्रेंड उसको हम रिपेयर करना है तो फ्रेंड सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा रिले लगा है बेस के साथ में अटैच है उसको हम अलग करने वाले, जिससे कि हमारा बेस अलग हो जाए और रिले अलग रहे। फ्रेंड क्योंकि हमारा रिले है फ्रेंड वो एकदम सेफ है, रिले में हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसमें हमें थोड़ी बेस में जिसमें परेशानी प्रॉब्लम लग रही है। फ्रेंड तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस हमने रिले को अलग कर दिया। इसके साथ में इसका बेस हम जो कि यहाँ पे खोल लेंगे। फिर आप चाहे तो डायरेक्ट खोल सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं इसको नीचे से पूरा बाहर निकाल लेता हूँ फ्रेंड, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर आपको एक एक पॉइंट देख एक बात में फोकस करने वाला हूँ फ्रेंड, जिससे कि आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आए। फ्रेंड आई होप कि गाइस आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको समझ में आए। फ्रेंड इसलिए मैंने वीडियो को काफ़ी अच्छी तरीके से केयरफुल बनाया। फ्रेंड तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर हमारा जो बेस है वो निकल चुका है बाहर। हम स्टार्टर की जो बॉडी पार्ट से फिर इसको अलग रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम रिपेयरिंग आपको इसको पूरी बेस की दिखाने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बेस में इसकी दो पत्तियाँ डैमेज हुई है। साथ में फिर आप देख सकते हैं कि इसके साथ में यहाँ पे जो कि हम इसके पीछे के जो स्क्रू है फिर वो हम पहले निकाल लेते। फिर अगर आपका बेस ज़्यादा डैमेज हुआ रखा है फिर तो आप पूरा बेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बेस ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, सिर्फ इसकी कॉइल जो कि थोड़ी सी ब्लैक्स हुई है। तो हम यहाँ पर फिर जो ऊपर की जितने भी नट है इनको चारों को पीछे से खोल देंगे, फिर जिससे कि हमारी जो कि झूला पत्ती की जो अटैच होती है फिर वो सारी निकल कर नीचे आ जाएगी। फिर साथ में इसमें दो सेट लगे रहते हैं, फिर नीचे वाला सेट को भी हमको खोल लेना है, जो कि आप इस तरफ देख सकते हैं। फिर मैंने वीडियो की काफ़ी स्पीड थोड़ी इसमें से तेज की, क्योंकि फिर ये कोई आपको जो कि आप प्रॉब्लम ना हो, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है। फिर इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो की स्पीड यहाँ पर बढ़ाई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि दो पत्ती इसमें सिर्फ सेफ निकली, वो भी हमारी जो कि होल्ड पत्ती होती है वो ज़्यादा तक जलती नहीं। फिर इसमें हम नया किट डालने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं इसमें इसमें कॉपर का नया किट लाया है। ये किट आपको जो कि मार्केट में 200-250 के समथिंग आपको बहुत ईजिली आसानी से मिल जाए। सबसे पहले हम नीचे की पत्ती बिठाएंगे फिर, जो कि इसमें बेस की इस तरफ होती है, जो कि आपको चपटी 90 डिग्री कोण में बनी हुई थी वो पत्ती आपको नीचे की ओर कसना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से बहुत ईजिली और आसानी से फिर नट कस सकते हैं। इसमें फिर जो नया नट भी आते हैं कंपनी के साथ में, आप इसमें वो भी लगा सकते हैं। नहीं तो आप जो कि आपके पास सेकंड जो निकलते हैं वो लगाएंगे तो काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि वो नट इसमें फिक्स रहते हैं। फिर नए स्क्रू थोड़े इसमें थोड़े बड़े रहते हैं, जिससे कि आपके झूले पत्ते को अटैच करने में दिक्कत आती है। उसके बाद में आपके जो झूल बे आए स्टार्टर में वाइब्रेशन जो कि ज़्यादा पैदा होता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने दूसरे से तीसरी सेकंड पत्ती इसमें लगाई है। फिर इसमें पत्ती जो आपको सारी नई अटैच करनी है, हम इसमें सारी नई पत्ती अटैच कर रहे हैं। फिर नई पत्ती सभी नई पत्ती डालेंगे फिर, जिससे कि हमें बार बार दिक्कत ना। कई बार जो कि ग्राहक कस्टमर जो होते हैं फिर वो पैसे के चक्कर में फिर जो कि हाफ पत्ते डलवा लेते हैं। आप हाफ किट भूल कर भी ना डालेगा, क्योंकि अगर हाफ किट डालोगे फिर तो उसका सेटअप सही से नहीं बनेगा और आपका जो स्टार्टर है वो ज़्यादा घूम की आवाज़ ज़्यादा करेगा। फिर वो ज़्यादा उसमें वाइब्रेशन की आवाज़ आएगी फिर, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर आपको टेंशन दे सकती है। यहाँ पर उसके बाद में फिर जो कि हमारा ऊपर से जो 45 डिग्री की जो हमारी पत्ती होती है उसको हम यहाँ पे लगाने वाले, जो कि हमारे मेन मोटर के वायर इसमें असेंबल होते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर इसमें हम ढीवरी बाद में असेंबल करेंगे, पहले हम जो कि पत्ती असेंबल कर सकते हैं यहाँ पर। फिर तो हम पहले पत्तियों को चारों पत्तियों को यहाँ पर असेंबल कर लेंगे, जिससे कि हमारा बेस एकदम रेडी हो जाने वाली है। हमारी थर्ड नंबर की पत्ती है जो कि यहाँ पर हम इसको भी आसानी से यहाँ पर आपको लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाली है फिर जो कि हमारा झूला रहता है, फिर झूले पत्तियाँ जो हमारी बोलते हैं फिर वो वहाँ पे आपको थोड़ी कंफ्यूज कर सकती है, क्योंकि वो लिखने में और लगाने में आसानी नहीं होती फिर। लेकिन मैं आपको इस तरह का एक तरीका बेहतरीन ट्रिक दिखाऊंगा, जिससे कि आप बहुत ही इजीली और बहुत ही आसानी से फिर उनको बाहर निकाल सकते हो और लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर फ्रेंड जो कि अब हम ऊपर की पत्तियों को यहाँ पर इनको भी असेंबल कर देते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं पत्तियों को आपको अच्छी तरह से स्ट्रेच करना, कॉपर की हो सके तो लगाना गाइस। यहाँ पर जो पीछे के जो नट है गाइस ये आपको जरूर सेकंड लगाने पड़ेंगे, नए नट जो कि सेट के साथ में नहीं आते फिर, और हो सके तो आप पुराने नटों को एवर करें। अब यहाँ पर पत्तियों को निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिक्कत होती फिर, आपको एक तरीका दिखाता हूँ। कुछ नहीं करना है, इस पत्ती को थोड़ा नीचे की ओर दबाना है और उसको तिरछा करके निकाल लेना है।
यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार से इसको दबा कर आप बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हो। साथ में इसका लॉक भी निकल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे आपको पत्ती को दोनों अंगूठों से नीचे दबाना है, नीचे दबा कर तिरछा कर लेना, कुछ नहीं होगा, बहुत ही आसानी इजीली निकल जाएगा। यहाँ पे देख इस प्रकार दबाना है नीचे फुल, उसके बाद थोड़ा इसको तिरछा करके निकाल लेना। उसके बाद में इसमें जो लॉक लगे रहते हैं हम इनको भी यहाँ पे रिपेयर करेंगे। कुछ दो लोग जो इसमें नए हैं फिर उसको हम रिपेयर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि उसके स्प्रिंग काफ़ी अच्छे हैं, पुराने स्प्रिंग है इसमें। इसमें थोड़े जो नए वाले स्प्रिंग आते हैं वो थोड़े लूजपन पे होते हैं। हम बेहतर स्प्रिंग इसमें यूज़ करने वाले तो हम वापस इसमें नए से जो लॉक है फिर वो जरूर हम लॉक नए बिठाएंगे। स्प्रिंग इसमें मैं नए डाल रहा हूँ फिर, जो कि ज़्यादा दो पत्तियाँ डैमेज हुई थी इनको हमको जरूर रिपेयर करना है। फिर यहाँ पे आप स्प्रिंग को दिखाकर इस प्रकार से लॉक अंदर पत्ती की जो होती है और फिर लॉक पत्ती के अंदर भी डबल लॉक बने रहते हैं वहाँ पर आपको स्प्रिंग को बिठाना है। पत्ती जब आपको लगाना है फिर फूल आपको नीचे दबाना और तिरछा करके लगाना है। जिस प्रकार से आपने निकाला है उसी प्रकार से आप लगा सकते हो बहुत ईजिली। यहाँ पर फिर हमने दूसरी पत्ती बिठाई क्योंकि आप इस प्रकार से देख सकते हो इसमें भी हम नया स्प्रिंग लॉक का इंस्टॉल करने वाले। फिर यहाँ पर पत्ती है वो लॉक फुल फाल आपको अच्छी तरीके से दबा कर लेना है, लॉक आपका जो कि सही से लगना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर लॉक को आपको प्रॉपरली स्प्रिंग सेट करना है, फिर लॉक में फंसना चाहिए नहीं तो आपका स्प्रिंग तिरछा होगा तो फिर वहाँ पर भी आपका स्टार्टर सही साउंड लेके नहीं चलने वाला। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्प्रिंग इन दोनों लॉकों के बीच में फंसना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो दो लॉक बने हुए, इन दोनों के अंदर ही आपको इसको फंसाना है और जब पत्ती लगाना है इसको लॉक पत्ती को नीचे दबाना है, फुल दबा कर इसको तिरछा करके बिठाना है। तिरछा करके आप बिठाओगे आसानी से लग जाएगा, सीधा साइड अगर आप बिठाओगे तो सीधा ये असेंबल बिल्कुल नहीं होने वाला है। चाहे आप कितनी भी कर सकते हो, आप झूला पत्ती को डैमेज कर लोगे, आपको झूला पत्ती नहीं डालनी पड़ सकती है। हमने इसके चारों पत्तियों को बदल लिया, उसके साथ में इसके बेस की जो मैग्नेट पत्ती होती है उसको भी हम यहाँ पर असेंबल करने वाले हैं। फिर इसमें नए रोड डालकर नए इसमें डालने के बाद में इसमें नए स्प्रिंग हम डालने वाले हैं क्योंकि स्प्रिंग काफ़ी लूज़ हो चुके थे यानी कि वो कड़क हो गए थे। यहाँ पर जो कि आप इसको दोनों साइडों से बिठा सकते हैं लेकिन मैं आपको एकदम तरीका दिखाने वाला हूँ, उस तरीके से आपको बिठाएंगे तो बहुत ही ईजिली और आसानी से आप इसको बिठा सकते हैं। फिर तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको रखना है और ये लॉक जो है कि नीचे की ओर पे ऊपर की ओर बिठाकर नीचे की ओर असेंबल ये बहुत ईजी और बहुत ही आसानी से लग जाता है। फिर दूसरी पत्ती भी फिर जो कि स्प्रिंग जो है बाइक वो आसानी से लग जाता है। फिर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा दूसरा जो स्प्रिंग है वो भी इसमें असेंबल हो चुका है। उसके बाद पूरा जिसका जो कि स्प्रे है फिर इसको हम पूरा के अलग रख लेंगे, हमारा स्प्रे बॉक्स है। फिर इसमें कुछ पत्तियाँ जो कि रिपेयरिंग में काम आ जाती है, कई बार ऐसा होता है फिर कि एक आध पत्ती जो मेन पत्ती होती है फिर वो आप बदल सकते हो, लेकिन अगर आपकी अगर ज़्यादा पत्ती जली हुई रहती है तो आप उसको नया किट डालना। मैंने इसमें नया किट डाला फिर तो कि दोनों रेडी हो चुका है। उसके बाद में फिर इसमें हम कनेक्शन करने वाले हैं, इसको वापस बेस को उसमें बिठाएंगे। फिर तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस इसका बेस किस प्रकार से बिठाना है। आपको दोनों नटों को टाइट करना है, फिर दोनों नट आपको ढीले नहीं रहने चाहिए। आपका बेस अगर ढीला रहेगा तो वहाँ पर भी आपका स्पार करेगा। उसके बाद में फिर हम यहाँ पर रिले यूनिट इसमें बिठाएंगे। फिर रिले यूनिट भी हमें अच्छी तरीके से असेंबल करना है, इसके चारों पॉइंटों को हम टेस्टिंग करने वाले हैं। फिर इसमें करंट आउटपुट हम आपको दिखाने वाला है, हम इसकी टेस्टिंग भी आपको इसको वीडियो में करके दिखाएंगे। फिर आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथ में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी इलेक्ट्रो बाय विजय को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फिर तो आप हमें तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद में फिर यहाँ पर देख सकते हो कि हमने इसमें जो कि होल्ड जो हमारा वायर होता है ये होल्ड करके रखता है मैग्नेट स्टार्टर को। फिर उसको हमें जरूर लगाना है क्योंकि होल्डिंग जो हमारा जरूरी होता है, नहीं तो हमारा स्टार्टर बार बार ट्रिप करेगा, फिर हम चालू करेंगे वो नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आपका ये होल्डिंग जो अगर तार इसमें लगा रहेगा तो आपका स्टार्टर ट्रिप नहीं होता। फिर कई बार इसमें ट्रिपिंग की समस्या इस वायर की वजह से भी आती है गाइस। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया, इसके हम टेस्टिंग अभी यहाँ पे कर लेते हैं गाइस। तो टेस्टिंग किस प्रकार से करना है, फिर पहले आपको मैग्नेट जो है उसका करंट चेक करना है कि आपकी जो मैग्नेट है फिर वो फुल करंट पास कर रही है नहीं कर रही है। फिर तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा स्टार्टर एकदम अप डाउन हो रहा है। उसके बाद में फिर जिसके उसके आर वाई और एस वाई यहाँ से हम जो कि लेने वाले। फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म। अगर आपका ऑटो स्विच लगा फिर तो इसको आपको मेन लाइन पे पास करना है, उसके बाद चेक करना है। अगर ऑटो पर रखोगे तो आपका ये स्टार्टर वर्क नहीं करने वाला। अब यहाँ पे इसके हम पॉइंट करने चेक करेंगे, फिर यहाँ पे करंट आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सभी में पॉइंट हमारा एकदम आ रहा है। तो ये हमारा एकदम स्टार्टर रिपेयर हो चुका है। ओके फ्रेंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में कुछ समझ में आया तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स।